रूम देख लो कितना गंदा किया हुआ है, रूम देख लो। तो गाइस हमारी बेइज्जती हो चुकी है। हम यहाँ आए थे आयशा राइशा के विला में और उन्होंने हमें बोला था कि आओ लेट्स चिल, और हम यहाँ चिल करने आए हैं। तो वो लोग इतना डिले, बारिश तेज हो रही है, लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ द वेडिंग। हम सुबह उठे हैं बहुत ही बढ़िया ढोल और नगाड़ों और उन सब चीज़ों की आवाज़ों से, एंड हमारी बैल्कनी से ही नीचे व्यू दिख रहा था जयमाला का। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो, क्योंकि लेट्स फेस इट, 4 बजे से कौन उठ सकता है। दिस इज अ गढ़वाली थाली जो करण खा चुके हैं। हाउ इज इट, इसमें क्या खाऊं? कितने बजे सोए थे तुम दोनों? मैं कम से कम 11 बजे शाम के सो गया था। झूठा, मैं तो देखो 3:30 बजे तक कमरे के अंदर घुस गया था, 4 बजे तक आउट था। ये पार्टियां कर रहा था आवारा गर्ल। लड़के भी बहुत फोटोग्राफीज करते हैं, लड़की मेकअप से भी नहीं मेरी आंखें और मुंह संभल पाती। क्या कर रहे हो दोनों? छाती पीट के म्यूचुअल ग्राइंड, मतलब ऐसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तुम्हारी फेवरेट मिठाई कौन सी है अंकिता? काजू बर्फी। तुम्हारा फेवरेट मिठाई? थोड़ा ऐसे इससे वो क्वेश्चन पूछा तो आपको अंदर मेरे से हमारे खाना खाने के बाद भी ये लोग टोस्ट चख रहे हैं यार। एंड डाइट, आपकी चाय डाइट, आपकी चाय खाली एंड स्टिल टोस्ट। ट्राई कीजिए चाय के साथ। ठीक है, जस्ट सम इन्फ्लुएंसर्स गोइंग क्रेजी फॉर फोटोग्राफ्स। जल्दी आ, जल्दी आ, पकड़ना चुन्नी लेके आई हो। ठीक है, मैं ऐश्वर्या रहे, तू शाहिद कप। ये दोनों यहाँ खड़े होके प्लान करें कि क्या कंटेंट बनाए। तू ये कौन, ये भी बनाने वाली थी ना कि कंटेंट नहीं है, क्या करते? हाँ यही बनाने लगी, हमारे ऊपर ही है वो। और फिर नीचे जाके कह रही है, जब एकदम नाश्ता नहीं करा कुछ नहीं, कड़के कड़ाके की धूप निकली हुई है, नीचे पहुंचे स्वेटर पहना हुआ, हालत खराब, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड कह रही है, अच्छा यहाँ पे क्या बना सकते हैं, अच्छा कल वाला पेंडिंग था ना यहाँ पे कम्प्लीट कर लेते हैं। पूरी इसने रील बनवाई है, उसके बाद क्यों करती हो वैसे सुकृति बच्चों के साथ? मिला मुझे वहां जाके वेजिटेरियन में, वो जो ओनली नाश्ता लेफ्ट पोहा मूंग की दाल। गाइस ऐसे बनते हैं प्रो क्रिएटर, वेजिटेरियन के लिए तो ऐसे ओजी क्रिएटर बनते हैं, हमें सीखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बट गाइस, बट एंजॉय, हैव फन। आई हैड फन। थैंक यू। गाइस, सहगल ब्यूटी पार्लर के बाद सहगल ड्राई क्लीनर्स में आपका स्वागत है। लहंगे को प्रेस किया जा रहा है और बड़ी मुश्किलों के साथ ये 65 किलो का घाघरा हमने जो है फिक्स किया है इनकी पेंटिंग पे। कल को होटल वाले भी ये पेंटिंग हटवाएंगे ही, मुझे लग रहा है। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे आप? मैं इसकी साइड चेंज करूं? मुझे लग रहा है क्योंकि आपने उल्टा प्रेस करवा दिया है। गाइस कैसा लग रहा है माहौल आपको इसमें, इस होटल में? कि कर्मचारी देख रहे हैं प्रेसें हो रही हैं। ये मैं अभिनव की मांग के लाई हूँ स्टीम प्रेस, मुझे काफी जो काम तो सही कर रही है, बहुत ही बड़ी सही काम कर रही है भाई। आप भी ले सकते हैं पोर्टेबल स्टीम प्रेस, इन हाउसा की है स्टीम एक्स। मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ, एक साइड से तो ठीक ठाक हो गई है। मुझे ऐसी फील हो रही है कि मैं दुल्हन से ज्यादा हैवी कपड़े पहन रही हूँ। भाई मेरे पति ने तीसरा आउटफिट पहन के दिखाया है मुझे और मैं ये फाइनल कर, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ इस शादी में, मैं होस्ट कर रहा हूँ इस शादी, नीचे जाके परफॉर्मेंसेस, एक फंक्शन होस्ट कर रहा हूँ। वर्ग और वर वर्ग के जितने भी परफॉर्मेंसेस होंगे सारे मंच पे जाके संचालित करने, तो इसलिए मुझे अपने कॉस्ट्यूम दिखाने थे। अच्छा लग रहे ऊपर, नजर ना लगे, वेरी क्यूट। कहाँ से लिया था ये कपड़ा? मैंने सिलवाया है। पर ये लेके किसने दिया था? मोहाली से। आपने खुद को लेके दिया है मुझे जीवन भर के लिए, वो याद रखो, कपड़ा वपड़ा नहीं याद रखो। ओम शिवम शिवम बिंग बिंग। वो लटका मेरा सुंदर लहंगा, दोनों पति पति सोना चांदी, पासा उसके सोना चांदी बन के जाएंगे दोनों पति पत्नी। उसको गिरा मत देना उसकी प्रेस, एकदम से मैं जगह से पन्नी फटी है, गिरा मत देना मेरा लहंगा, ना उड़ा दे जाएगा, पन्नी फटी है। गाइस रूम की हालत अस्त-व्यस्त है, उस पे आप और वो दिखानी नहीं होती इधर से। ठीक है गाइस हम रेडी हो गए, दिखाने लग गई है। रूम देख लो कितना गंदा किया हुआ है, रूम देख लो यार, आप बहुत बुरे हो सच। अब कपड़े क्या करने, यू आर अ मीन हस्बैंड। चलो गाइस हम रेडी होंगे तो आपको दिखाएंगे तैयार श्यार होके। मेरे को एक ही आई मेकअप करना आता है, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कोई और शेड के साथ मेकअप कर सकूं, जस्ट वो देखने लगी हूँ। ठीक है चलो, बाय, लव यू।
Look at these smart, smart boys. Sorry. Very smart. Very smart boys. हम जा रहे हैं the finale, the संगीत. किसने बोल रहा है लॉबी में आ जाओ और फिर वहां से पता चल जाएगा. ये है मेरा फाइनल लुक गाइज. आई थिंक आई हैव आउटडन माई सेल्फ इन लाइफ. 3 दिन में मैंने बहुत फैशन कर लिया. करण जब बोल दे Aaron तो स्वीट है. Appreciate this time. Ish is actually put in a lot of effort. It's come out very well and I appreciate it. Thank you. Give her 12 out of 10. मस्कारा वाटरप्रूफ होता तो रो देते. Let's go. It's so pretty. अच्छी शाम, इतनी रंगत. ये सिटी वाले कौन सी बस लगा रहे हो पीछे करके जो लग नहीं रही अभी तो. ये कौन बस लगवा रहा है यहाँ पर इंसर्ट कर लो दैट्स द वे माय वे वाला गाना क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा तो मैं कोई गाना ही नहीं डाल रही. भाड़ में जाओ सब. एक बार फिर से लंदन के दोस्तों के लिए आपका स्वागत. भारत में एक बार फिर से यूं ही आते हैं रंग जमाते रहे. यू नो इंडिया लव्स यू अ लॉट. हाउ मेनी डेज यू लर्न दिस परफॉर्मेंस? माय इंग्लिश इज वेरी. ओनली टू डेज. 2 hours. 2 hours. Half an hour. 2 minutes. गुहा परिवार को दूसरी शुभकामनाएं और गुहा परिवार की परफॉर्मेंस सबसे वजनदार जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था. शाहरुख खान ने फोन पे बात करी. करण जौहर ने फोन नहीं उठा रहे. आयशा कुछ कहना चाह रही है. एक तो पता नहीं आयशा के देखो मैं क्या बात. मैं यही कह रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह उत्तराखंड पहाड़ इतने खूबसूरत. पहाड़ों के लिए जोरदार तालियां क्योंकि देवभूमि में आप लोग आपका स्वागत है और इस जगह को इतना सुंदर आयशा पूरा खुला भर आपको जाता है. जोरदार तालियां आयशा के लिए. के दोस्त तैयार, दुल्हन तैयार, दूल्हा तैयार. गर्मी माहौल में बढ़ने वाली है. जोरदार तालियां. इन्होंने मल्टीपल परफॉर्मेंसेस करी थी. ये गाना चल रहा है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है वाला गाना चल रहा है. इस पर यहाँ पर चल रहा है मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ. और मुझे लगता है सारे अंकुश की चॉइस के गाने या फिर करण के. दैट इज लाइक द ओनली थिंग दैट आई थिंक. एंड आगे देखते हैं. कोई मिल गया मेरा दिल गया पे डांस कर रहे हैं ये लोग. बड़ा बुरा हुआ था लड़के वालों ने भी सेम गाने पे परफॉर्म कर दिया था तो ये सैड हो गए थे. मतलब कॉपीराइट आ जाता ठीक है बट अच्छा ये चमक चलो गाना चल रहा है बाय द वे. विशाल भाई हमारे डीजे हैं. इन्होंने रात 5 बजे तक हमें मौज कराई है गाने बजा बजा के. शादी में गोलगप्पे नहीं खाए तो क्या खाया आपने? इस ब्लॉग के माध्यम से गोलगप्पे शादी में जाते ही खाए. हेलो दोस्तों, तो हम नाच आए गाया है सब बढ़िया से हो गया. खाना वाना खा लिया सब कर लिया. पर हाँ थोड़ी थकावट ज़्यादा हो गई थी मुझे इसलिए मैं ऊपर रूम में बैठी हुई हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो नीचे डांस करने चले गए हैं. मैं भी जाना चाहती थी बट देन जस्ट नॉट वर्थ इट क्योंकि मेरे को पता है आज मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही है. अगर मैं गई नाचने इफ़ आई गो फिर मैं घर जाके कल कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में. तो मेरे को जहाँ फोमो बहुत तेज़ हो रहा है कि पता नहीं नीचे क्या चल रहा होगा ये सोच के मुझे मन में अच्छा भी लग रहा है कि मेरे कुछ दोस्त अभी भी अपने कमरों में सो रहे हैं. तो कल सुबह यहाँ से निकलेंगे. वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. बहुत मज़ा आया. काफ़ी काफ़ी सुंदर सब काफ़ी बढ़िया. मुझे लगता है मुझे मेकअप उतार लेना चाहिए. गाइस आप देख सकते हैं कि बादल आ गए. ये धुंध नहीं है ये बादल है. और हाय गाइस, हमें निकलना था सुबह लाइक कितने बजे. हम प्लान कर रहे थे अभी निकलना था हमने कितना ही सुबह. बट कैसे निकलेंगे अब हम. इट्स सो प्रीटी. आप लोग देख सकते हैं ऋषिकेश में मौसम जो है वो कह रहा है
अभी ना जाओ। खाना खाते कौन नहाता है? है तेरे सांसों का दर्द भी मुझको मारे हम सफर। Hey, ये कैसे जादू की है रे? Love's the game I wanna play. I am craving for your body. भला चंगा प्लान था हम सब का निकलने का, बट इट जस्ट सीम्स इम्पॉसिबल नाउ। तो गाइस हमारी बेइज्जती हो चुकी है। हम यहाँ आए थे आयशा रायशा के विला में और उन्होंने हमें बोला था कि आओ लेट्स चिल, और हम यहाँ चिल करने आए हैं। तो वो लोग यहाँ नहीं है, तो वो लोग यहाँ नहीं है। आउटस्टेशन वेडिंग में बुला के किया तिरस्कार। शादी नहीं, लोग मेरे ब्लॉग में आके कंट्रोवर्शियल बातें क्यों बोलते हैं? ओ गॉड, मेरी त्वचा तो देखो, मेरी आंखें तो देखो। फेमस होना चाहते हैं, क्लाउड का तो बता दो। मैंने बना दिया था ब्लॉग, क्लाउड का आपने देखा ना, एक लड़का बाथरूम में था उसको पता नहीं। ठीक है गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में। ये कौन सा माइक लिया, कहां से लिया आपने? इट्स अ वाटर माइक। वाटर माइक, अच्छा इसमें आवाज सुन में हमें दो। चलो चले, ये देखो ये है हमारी प्रॉपर्टियां, मतलब हमारी, मतलब हमारी समझ लो, मतलब ये है आयशा का विला। गाइस ये सीढ़ियां चढ़ के व्यू है, बहुत थोड़ा देखना है। चलो भाई 150 सीढ़ियां हैं तो कोई बात नहीं। पागलों के बारिश हो रही है। अरे चप्पल में नहीं जाना लोहे की सीढ़ियों पे। नहीं नहीं चलो चलो, और ये 150 सीढ़ियां पर व्यू तो मैं करूं, मजा आ रहा है। चढ़ा के लेके आया भैंस बोल रही हूँ। ये देखो गाइज, हमने प्रकृति को काट काट के इतना बड़ा होटल बनाया है। आप व्यू देखिए, यहाँ से व्यू चेक करें गाइज। वो रहे आयुष और आयशा जिनकी वजह से अब मुझे इतनी ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है। गाइस बताओ व्लॉग का नाम कैसा है? शादी में हुई ट्रैकिंग, फैमिली फिटनेस। फैमिली फिटनेस, उसके लिए तो दो पति चाहिए मुझे। जिनको पता है कि उनकी बीवी एक्सरसाइज नहीं करती, वो कहा है 150। ये क्या हेलीपैड के लिए कटा हुआ है? एक आदमी फटी में आया है। फटी में नहीं आया, मुझे लगा बारिश बादल तेज है। पटापा के मेरिया लत्ता टूटिया हुई तो तुसी इत्थे वीर जी मेनू एना वो था विला वहां से आ गए। गाइस बारिश तेज हो रही है, लेट्स गो। बदल आ गए, हुन आराम आराम नाल उतरियो उतरियो। आयो 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 वीरो, घबराना नहीं, ये सबसे पहले चढ़ा था, सबसे पहले उतर गया है। मेरी तो चप्पल ही फिसलू है एक नंबर। मैं वही तो कह रही थी आप लोगों को, तब आप लोगों ने मेरी सुनी नहीं। गाइस वेस्ट साइड की चप्पलें बहुत ही फिसलू हैं। हाय हाय, आपने वेस्ट साइड से क्यों चप्पल ली है करण? यार अर्जेंसी में चाहिए थी, घर के पास था। प्लीज मुझे बता देते यार, मुझे नहीं लगता आज हम वापस जा पाएंगे। ऐसे मत बोल यार। यार क्या करेंगे इतनी बारिश में वापस जाके, बताना। कपड़े भी नहीं है करण, यार कुछ भी पहन लो, अब तो शादी फिक्स हो गई है। हा? तो शादी हो गई है। मैं तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि क्यों ही जाना है ना। आप देख सकते हैं कि हम जो है पहुंच रहे हैं नीचे, और ये देख रहे हो आप, मैं बादलों को स्टीम कर, मैं बादलों में हूँ। आई एम इन क्लाउड, मैं तो इसी चीज में सुबह खत्म हो गई थी देख के कि बादल ऊपर आया फिर इधर आया। एंड इट वाज अमेजिंग। दो दिन से नाच नाच के मेरी जो गोड्डों की चपनिया है उनका तेल, अरे कटोरिया, उनका जो तेल है गाइस वो खत्म हो गया। तो व्हाइट वेडिंग ना यहाँ हुई थी, ठीक है, और वो विला में हम बैठे हुए थे। अब आप देख सकते हो कितना बदल आ गया। ओए बदल आ गया, ओए आज होनी चाहिए व्हाइट वेडिंग। मुझे लगा मुझे देने, आपको ही पहले कैमरे को दिखाया ताकि आपको चढ़ा सके, चढ़ा सके। इश बाय बाय बाय, क्यों होटल प्रॉपर्टी में होना चाहिए। अच्छा प्रॉपर्टी में बाय बाय।